कट करके लगा के ये जो है ये भी आगे का डिस्क ब्रेक हो गया और ये पीछे का क्लच हो गया। और बाकी मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ चला कर कि कैसी लग रही है। ठीक है, लुक कुछ ऐसा ऐसा बन रहा है सामने से, तो GoPro में भी हमारा अच्छा लुक आएगा बाइक का। और सेकंड थिंग अभी ये कि रिस्पांस बहुत प्यारा है, मतलब आपको मैं बताऊँ तो जी हमारी आज ब्लैक बनी के अंदर हम लोग और ब्रेक मतलब हाइड्रोलिक क्लच और हाइड्रोलिक लीवर लगाने वाले हैं। तो हमारे रोहित भैया है हमारी गाड़ी में, जो कंपनी से आया था वाइबर वाले, ये वाला हट जाएगा और इधर से क्लच भी हट जाएगा और अभी हमारा थोड़ा सा मिनी ड्राइव का सेटअप भी हट जाएगा। रोहित भैया मास्क निकालना पड़ेगा क्या इस चीज़ के लिए? ये अपन जो लगा रहे हैं यहाँ पे जो लगाएंगे उसके लिए एकदम प्रोफेशनल वे में हमको रोहित सर ने बताया कि मास्क निकालना पड़ेगा। फिलहाल तो हम ये चीज़ दोनों चेंज करने वाले हैं। तो अभी ऐसा कुछ लुक आ रहा है और नीचे से केबल निकाल रहे हैं रोहित भैया। भैया हमारे आप YouTube पे आओगे YouTube पे नहीं, वो रबड़ है वो एडजस्टेबल ही रहेगा। रबड़ लगाना वो भी जाएगा टाइट। ये हमारे रोहित भैया ने फाइनली एक जुगाड़ बिठा के क्लच तो लगा दिया है और बाकी ब्रेकिंग तो इजी था। क्यों सर? सर कितने सीरियस सर एकदम प्रोफेशनल हो गए बिल्कुल। हाँ जी, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट बातें। बाइक का अभी ये थोड़ा जुगाड़ करके लगाया है तो कट करके लगा के। सो गाइस फाइनली आज हमारी RC में जो हाइड्रोलिक डिस्क और हाइड्रोलिक क्लच जो लगाना था वो आज लग चुका है फाइनली। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा लगा है, वो कैसा लुक आ रहा है उसका। तो हमारे सबसे पहले तो हमारे सर रोहित सर जिन्हों की जिनकी
कृपा से ये चीज़ संभव हो पाई है जो कि एक महीने से जो टल रही थी। सर आपको बताइए सर आपका एक्सपीरियंस। बस ऐसा है कि बहुत एक्साइटमेंट था, मेरे को ये चीज़ मुझे डालना है और आज डाल ही दिया। तो हाँ जी, जो भी है अच्छा है। अजय भाई गाड़ी के लिए बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, बढ़िया। तो ये देखो अभी ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जुगाड़ किया है। तो बेसिकली जो है, मतलब जो क्लच है, क्लच आप देखो थोड़ा जो अपना जो मास्टर सिलेंडर है उसको भी ऐसा करके यहाँ से कट करके, जो उसकी जो स्टॉक पत्ती जो आती है उसको कट करके यहाँ से वेल्ड करके जुगाड़ करके हमारे अनवर भाई ने लगाया, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो है ये भी आगे का डिस्क ब्रेक हो गया और ये पीछे का क्लच हो गया। और बाकी मिनी ड्राइव का स्विच है जो कि हमारी गाड़ी आगे से ऐसी लग रही है। और बाकी मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ चला कर कि कैसी लग रही है, ठीक है। तो अभी गाड़ी का लुक सामने से कुछ ऐसा आ रहा है। तो अभी हमने जो हाइड्रोलिक क्लच और ब्रेक जो लगाया है तो उसका लुक कुछ ऐसा ऐसा बन रहा है सामने से। तो GoPro में भी हमारा अच्छा लुक आएगा बाइक का। और सेकंड थिंग अभी ये कि रिस्पॉन्स बहुत प्यारा है, मतलब आपको मैं बताऊँ तो गाड़ी जो है बहुत स्मूथ चल रही है। अभी एक्सीलेटर केबल भी नहीं डली है इसमें, तो गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है, मज़ा आ रहा है ओवरऑल गाड़ी चलाने में। और गियर भी बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब क्विक शिफ्टर वाले काम हमको ऐसे ही मिल रहे हैं यहाँ पे, तो सही है। और बाकी तो मैं आपको यूज़र एक्सपीरियंस आज चलाने के बाद में ही बता पाऊँगा। तो चलो फिर देखते हैं आगे।